भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और 434 रनों से मुकाबला जीतने में सफल रही। जबकि अब सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के मैदान पर खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का अंतिम मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला के मैदान पर खेला जाना है। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के स्क्वाड में युवा खिलाड़ी सरफराज खान को मौका दिया गया था और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही बेहतरीन प्रदर्शन कर आईपीएल 2024 के लिए मजबूत दावेदारी ठोक दी। आईपीएल में सरफराज खान को एक टीम 20 करोड़ रुपए खर्च दे सकती है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर सुर्खियों में आ चुके हैं, जिसके चलते आईपीएल 2024 में उन्हें 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी टीम में शामिल कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज खान को आईपीएल में इस बार कोलकाता टीम अपने खेमे में शामिल कर सकती है, जबकि ऐसा भी माना जा रहा है कि केकेआर सरफराज खान के ऊपर 20 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है, क्योंकि अभी वह काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट मैच में सरफराज खान को टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। सरफराज खान ने पहली पारी में 66 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाए थे और रन आउट हो गए, जबकि दूसरी पारी में सरफराज खान ने 72 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 68 रन बनाए। बता दें कि 24 साल के सरफराज खान ने आईपीएल में साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की तरफ से डेब्यू किया था, लेकिन अब तक सरफराज खान आईपीएल में 50 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 130 की स्ट्राइक रेट से और 22 की औसत से 585 रन बनाए हैं। आईपीएल में सरफराज के नाम एक अर्धशतक है, वहीं उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला पिछले सीजन में खेला था। और भी स्पोर्ट जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट। और आपकी इसमें क्या राय है, राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।